जहां इस साल हमने KGF चैप्टर 2 RRR और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने वाली फिल्में देखी, जिसमें KGF चैप्टर 2 और RRR ने 1000 करोड़ के माइलस्टोन को भी पार कर लिया। वहीं विक्रम ने भी अपने रिलीज होने के 26वें ही दिन 400 करोड़ की कमाई को भी पार कर लिया। इस वीडियो में हम आपको 2022 और 2023 में रिलीज होने वाली हाई बजट मोस्ट एक्सपेंसिव हाईली अवेटेड अपकमिंग साउथ फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, आदि पुरुष। यह फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा होगा। यह फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि रामायण पर बेस्ड होगी। यह फिल्म 1992 में आई इंडो जापानीज एनिमे फिल्म रामायण द प्रिंस ऑफ लाइट से इंस्पायर्ड है और यह फिल्म 3D फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है, जिसे दो भाषाओं यानी हिंदी तेलुगु में एक साथ शूट किया जाएगा और भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा 20,000 स्क्रीन्स पर 15 भाषाओं और 60 से भी ज़्यादा देशों में रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म में काम करने के लिए प्रभास ने 120 करोड़ चार्ज किया है, जिसके कारण वो भारत के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं। यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाला है। नंबर 2, पोनियन सेल्वन। ये फिल्म भी भारत की सबसे महंगी फिल्म है और इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है और यह फिल्म एक पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है जो कि एक्शन और ट्विस्ट से भरपूर होगी। यह फिल्म पोनियन सेल्वन नाम के एक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसमें चोल वंश के राजा पोनियन सेल्वन की कहानी को बैटल और एक्शन विजुअल्स के साथ इस फिल्म में दिखाया जाएगा। इस फिल्म के लीड कास्ट से हैं चियान विक्रम जयामरवी कार्थी ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा। यह फिल्म 30 सितंबर को इसी साल रिलीज होने वाली है। नंबर 3, पुष्पा द रूल। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी, जहां पुष्पा द राइज का बजट 200 करोड़ था, वहीं इस फिल्म का बजट पता नहीं क्यों 400 करोड़ है, जबकि KGF चैप्टर 2 जैसे फिल्में 100 करोड़ में ही निपट जाती है। जैसा कि अल्लू अर्जुन ने भी बताया था कि यह फिल्म भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने के लिए लगभग सभी रीजनल और इंटरनेशनल भाषाओं में डब की जाएगी। जहाँ अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज फिल्म के लिए 50 करोड़ चार्ज किया था, वहीं उन्होंने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ चार्ज किया है। इस फिल्म का रिलीज डेट इसी साल यानी 21 दिसंबर 2022 का था, जो कि पोस्टपोन्ड भी किया जा सकता है। नंबर 4, बाहुबली प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार, जिसका क्रेज KGF से लिंक्ड होने के कारण बाकी फिल्मों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस फिल्म का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस फिल्म के रिलीज होने में हो रहे डिले के कारण प्रभास के किसी फैन ने सुसाइड करने की धमकी देते हुए एक लेटर भेजा था। सालार मूवी का बजट 150 करोड़ है और यह फिल्म अगले साल अप्रैल या जून में रिलीज होगी। इस फिल्म के लीड रोल में होंगे प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू। इस फिल्म के लिए प्रभास ने 100 करोड़ फी चार्ज करने के साथ साथ फिल्म के प्रॉफिट में से 10% शेयर का डिमांड किया है। नंबर 5, किच्चा सुदीप की पैन इंडिया और हाईली अवेटेड फिल्म विक्रांत तुरुन्ना। यह फिल्म कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जो कि KGF चैप्टर 2 से भी बड़ी फिल्म होगी, क्योंकि यह फिल्म 3D फॉर्मेट में बनी है और पूरे दुनिया में 14 भाषाओं और 55 देशों में रिलीज होने वाली है। इतने फीचर्स और शानदार विजुअल्स होने के बावजूद भी यह फिल्म सिर्फ 100 करोड़ में बनी है और इस फिल्म के लिए किच्चा सुदीप ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा 15 करोड़ चार्ज किया है। इस फिल्म के ट्रेलर और विजुअल्स को देखकर लोग इस फिल्म का बजट 200 से 300 करोड़ बता रहे थे, लेकिन यह फिल्म बाकी हाई बजट घटिया फिल्मों से किफायती और कंटेंट ओरिएंटेड दिख रही है। इन सभी फिल्मों में से आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।